हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? बेस्ट बुक्स विद एचआर सर में आपका स्वागत करता हूँ। मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे पहले कि दोस्तों बुक्स के बारे में बात करें, मैं दिखाना चाहूंगा जिस बुक्स का रिव्यू हो रहा है उसका नाम है सम्राट के नए कपड़े। एक शहर में एक सम्राट रहता था, उसको नए नए कपड़े सिलाने का बहुत शौक था। उसके शहर में दो बुनकर आए जो बहुत बड़े ठग थे। उन्होंने सम्राट से बोला कि हमें शानदार कपड़े बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बनाते हैं और हमारे कपड़े वही लोग देख सकते हैं जो बुद्धिमान होते हैं। ये बात सुन के सम्राट बड़ा खुश होता है और उन्हें अपने वस्त्र सिलने के लिए परमिशन देता है और इसके लिए वो उन्हें बहुत सारा कपड़ा और सोने की बहुत सी चीजें उन्हें देता है जिससे कि वो रेशमी कपड़े सुंदर सुंदर बना सके। अब वो जो बुनकर होते हैं, जो बहुत बड़े ठग होते हैं, वो अपनी कार्यशाला के अंदर एक मशीन लगाते हैं और उसमें कपड़े की सिलाई के लिए सामान वहां लाके रख देते हैं ये, और उसमें सिलाई करना शुरू कर देते हैं। ये बात जब सम्राट को पता चलती है तो अपने मंत्रियों को भेजता है वहां पे कि जाके वहां का निरीक्षण करके आइए, देखिए कि वो किस प्रकार से वस्त्र बना रहे हैं। अब वो मंत्री वहां जाते हैं, जब वो देखते हैं, मंत्रियों के बाद पता हो जाती है कि सारे शहर में बात फैल जाती है कि वहां पे जो है कुछ बुनकर आए हैं जो वस्त्र बना रहे हैं और इस चीज की नॉलेज लोगों को नहीं होती मंत्रियों के अलावा और सम्राट के अलावा कि ये कपड़े उन्हीं को दिखाई देंगे जो बुद्धिमान लोग होते हैं। अब मंत्री जब वहां जाते हैं तो जो बुनकर होते हैं वो बुनकर बोलते हैं कि हम देखो मशीन के अंदर कपड़े सिल रहे हैं, ये कपड़े हैं, ये सिलाई है और उनके नमूनों के बारे में बहुत बढ़ाई है और बहुत बड़ी बातें करते हैं। मंत्री लोग देख के बड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचते हैं हमें तो यहाँ कोई कपड़े दिखाई दे ही नहीं रहे। चलो यदि हम ये बोलते कि हमें कपड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ये हमें मूर्ख समझेंगे। वो जो है उन बुनकरों की सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जाके अपने सम्राट के पास जाते हैं और बोलते हैं महामहिम आपके वस्त्र वहां बनाए जा रहे हैं। जो सम्राट होता है बड़ा खुश होता है। कुछ समय बाद क्या होता है कि शहर में एक जुलूस निकलना होता है। उस जुलूस में सम्राट की इच्छा होती है कि वो नए वस्त्र पहने जो बुनकरों द्वारा वहां पे बनाए जा रहे हैं क्योंकि बड़े सुंदर होंगे, उन्हीं लोगों को दिखाई देंगे जो बुद्धिमान होंगे, तो जिससे वो अपने मंत्रीगण के लिए एक अच्छा मंत्रालय बना पाएगा। तो वो उनसे बोलता है कि आप मेरे लिए वस्त्र जल्दी से जल्दी बनाएं। अब होता क्या है कि अब जो बुनकर होते हैं वो ये घोषणा कर देते हैं कि हम आपके वस्त्र बना रहे हैं और दिन रात एक कर रहे हैं। वो दिन रात एक करने की छानबीन के और उसका निरीक्षण करने के लिए सम्राट अपने मंत्रियों को उनके कार्यशाला कारखाना जो होता है वहां भेजता है और देखने के लिए कि वास्तव में कपड़े सिले जा रहे हैं सिले जा रहे हैं। अब वो जो बुनकर होते हैं वो बहुत बड़े ठग होते हैं, वो बड़े नाटकीय ढंग से ऐसा शो करते हैं कि जैसे वो कपड़े सिल रहे हैं या सुई को हवा में यूं ले जाके देखिए हम कपड़े की सिलाई कर रहे हैं, कैंची चला चला के दिखाते हैं कि हम कपड़े की कटिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें वो लोग देख रहे होते हैं पर उनको मंत्रियों को कोई चीज दिखाई देती नहीं है वहां पे। वहां तो ना तो कपड़ा दिखाई देता है और ना ही वहां पे कोई ऐसी चीज दिखाई देती जिससे आवाज आए कि कपड़ों की सिलाई हो रही है। फिर भी जो मंत्री लोग होते हैं वो अपने आप को ये शो नहीं करते कि हमें नहीं दिखाई दे रहा, वो अपने आप को बुद्धिमान शो करते हैं, कहते हैं हाँ आपके तो नमूने बड़े अच्छे हैं, आपके वस्त्र बहुत अच्छे हैं, आप तो बड़े सुंदर सुंदर रेशमी कपड़े बना रहे हैं। ये बात सारी क्लियर हो जाती है। अब वो जाके अपने राजा को बोलते हैं, सम्राट को बोलते हैं कि आपके कपड़े वहां सिलाई हो रही है। अब वो जो बुनकर होते हैं नाटक ढंग से दिन रात वो सारा काम कर रहे होते हैं, बाद में ये घोषणा कर देते हैं कि हमने जो है सम्राट के कपड़े बना दिए हैं, आप आके देख लीजिए। अब सम्राट जो है अपने मंत्रियों को भेजता है वहां पे कि आओ जाके देखो कि मेरे कपड़े तैयार हुए नहीं हुए। अब मंत्री जाके देखते हैं तो जो बुनकर होते हैं वो सारी बातें क्लियर कर देते हैं कि हमने आपके कपड़े, आपके सम्राट के कपड़े जो है वो बुन दिए हैं, बना दिए हैं, आप इन्हें ले जा सकते हैं। अब जो है वो समय आ जाता है जब जुलूस शहर से निकलना होता है तो राजा इच्छा जागृत करता है कि मैं वही वस्त्र पहनूंगा। तो वो जाके उनकी कार्यशाला में जाता है, वो जो बुनकर होते हैं बड़े नाटकीय ढंग से उन्हें कपड़े पहनाते हैं और कहते हैं ये कपड़े इतने हल्के हैं कि एक मकड़ी के जाल से भी ज्यादा हल्के कपड़े हैं, आपको महसूस नहीं होगा कि आपने वस्त्र पहन रखे हैं। राजा कहते हैं ठीक है जी। अब वो कपड़े पहनाने का नाटक करते हैं, राजा कहते हैं हमने आपको आपके कपड़े पहना दिए। राजा जो है वो शीशे के आगे जाके देखता तो उसे कोई कपड़े दिखाई देते ही नहीं वहां पे, उसे लगता है कि मेरे वस्त्र शरीर के अंदर तो जो कपड़े कह रहे मुझे दिखाई नहीं दे रहा। पर राजा यकीन कर लेता है, राजा कहता है कि यदि मैं ये सोचूं और ये बताऊंगा कि मुझे तो कपड़े दिखाई नहीं दे रहे तो ये लोग सोचेंगे मैं मूर्ख हूँ। वो अपनी इस बात को उनकी बात पर संदेह ना करके उसे एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि ठीक है जी। अब वो जो है जुलूस के साथ साथ चले हो जाते हैं, पीछे पीछे उनके मंत्रीगण चल रहे होते हैं, सब लोग कहते हैं कि भाई सम्राट के कपड़े बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे दिख रहे हैं,
और राजा तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, सम्राट बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, ये सारी बातें वहां पे हो रही होती हैं। इसी बीच क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा जो है भीड़ से दौड़ता हुआ आता है, देख के राजा को देख हंसे नहीं आता, कहता है सम्राट आपने तो कपड़े नहीं पहन रखे। ये बात सुन के सम्राट को बड़ा दुख होता है, अपने कहता अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, जो बुनकर थे वो तो उन्होंने जो है मेरे को ठग लिया, मेरे को बेवकूफ बना दिया है, और बहुत सी बातें वो सोचने लग जाता है, बड़ा दुख होता है उसको। बाद में वो जब अपने महल वापस आ जाता है, और इस कहानी का जो मेन मोरल शिक्षा जो यहाँ निकल के आती है, ये निकल के आती है कि कभी भी जो है आंख बंद करके किसी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई प्रूफ ना हो। दोस्तों ज्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। आपको मेरा ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा, आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।